ईसा के जन्म के 300 साल पहले हुन कबीले के लोगों ने चीन में कोहराम मचा रखा था। ध्यान रहे, जंगलों में रहने वाले हुनों के कबीलों ने चीन के राजाओं पर ताबड़तोड़ हमले करके अकूत अपार दौलत अपने कब्जे में ले ली। हुनों से परेशान होकर चीन के सम्राट सी हुआंग ती ने ईसा के जन्म के 245 साल पहले चीन की दीवार बना दी, जो आज भी विद्यमान है। इस दीवार के बन जाने के बाद हुनों का चीन में घुसना दूभर हो गया। इससे परेशान होकर हुनों ने पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हुन लोग अत्यंत ही कट्टर, कड़क, असभ्य और बर्बर थे। लूटमार के द्वारा ही वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। हुनों ने प्रचंड आंधी के समान पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया और पश्चिम की युइसी जाति के लोगों पर अपनी जीत के झंडे गाड़े। ये युइसी जाति के लोग हुनों से डर कर सीर नदी के मैदानों की तरफ भागे। सीर नदी के इस इलाके में सकों का शासन था। युइसी जाति के लोगों ने इन सकों पर ताबड़तोड़ धावा बोला और सकों के राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ध्यान रहे, पहले हुनों ने युइसी जाति के लोगों के राज्यों को जीता, फिर इन युइसी जाति के लोगों ने सकों के राज्यों को जीता। यही समय था जब सकों की एक शाखा ने बैक्ट्रिया प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और वहां के यवन राजा हेलियोक्लीज को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। सक लोगों की जिस शाखा ने बैक्ट्रिया प्रदेश पर अपनी जीत के झंडे गाड़े थे, वही शाखा हिंदुकुश पार करते हुए भारत की तरफ बढ़ने लगी। भारत में घुसकर सकों ने पुष्प, कलावती और तक्षशिला प्रदेशों पर अत्यंत ही क्रूर तरीके से आक्रमण करते हुए इन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ईसा के जन्म के 72 साल पहले सकों के एक कट्टर राजा मोअस का जन्म हुआ। यही सकराज मोअस था, जो क्रूरता का दूसरा नाम था। अपनी अत्यंत विनाशक सेना के साथ मोअस ने मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन पर भयभीत करने वाला हमला किया। उज्जैन की जीत के बाद सकों ने शक संवंत की शुरुआत की। तीनों लोकों के अधिपति महादेव शिव को मानने वाली ये शक संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका फहराना चाहते थे, पर शक अनजान थे उस वीर से जो मालव देश में बैठा सकों की नस्लें तबाह करने की कसमें खा रहा था, जो स्वयं वीर विद्वान कट्टर बाहुबल के साथ अपनी सेना का निर्माण कर रहा था। सकों की जड़ें हिला देने की कुव्वत रखने वाले उस देवतुल्य महामानव का नाम था वीर विराट सम्राट विक्रमादित्य उर्फ महाराज विक्रम सेन। कौन थे ये महावीर जिसे दुनिया ने विक्रमादित्य के नाम से नवाजा? सम्राट विक्रमादित्य आज से 2500 साल पहले राजा सम्राट महेंद्रादित्य के गर्जन सम्राट ने 100 वर्षों तक लगातार शासन किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी जीत के झंडे बुलंद किए। उस काल में सम्राट के नाम से दुनिया भर के लोग परिचित थे। अपने समय के महान वीर योद्धा विक्रम सेन के सामने खड़े होने की ताकत दुनिया के किसी भी योद्धा के पास नहीं थी। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठते थे। उन्होंने भारत भूमि से सकों का समूल नाश कर दिया था। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए विक्रम सेन ने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की। जब सकराज मोअस ने अपनी क्रूर सेना के साथ उज्जैन पर हमला किया, तो उस समय उज्जैन के राज सिंहासन पर सम्राट विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य का शासन था। सकों ने उज्जैन को जीतकर उज्जैन के राजा महेंद्रादित्य को बहुत अपमानित किया। इस समय सम्राट विक्रमादित्य छोटे थे। अपने पिता के अपमान का बदला लेने की आग उस नन्हे बालक के मन में भबक रही थी। विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि मालवा देश के राजा थे। भर्तृहरि ने 40 ईसा पूर्व अपना राज्य त्याग कर वैराग्य धारण करके हरिद्वार की तरफ निकल गए। अब सम्राट विक्रमादित्य भी बड़े हो चुके थे। एक सुगठित शरीर का स्वामी विक्रम एक महान योद्धा बन चुका था। धनुष, खड़ग, असि, त्रिशूल, परशु आदि शस्त्र विद्या में उनका कोई सानी नहीं था। यही समय था जब सम्राट विक्रमादित्य मालवा देश के राजा बने। राजा बनते ही सम्राट ने अपने राज्य के सकों की बस्तियों पर धमाधम धावे बोले। उन्होंने मालवा प्रदेश से सकों का समूल नाश कर दिया। इसी समय सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवंत की शुरुआत करते हुए संपूर्ण भारत से सकों के समूल नाश की प्रतिज्ञा की। अब सम्राट विक्रमादित्य जंगलों की तरफ निकल पड़े। यहीं पर सम्राट ने जंगलों में रहने वाली जातियों को एकत्रित करके भैरव सेना का निर्माण किया। देश के कोने कोने में बने शिव मंदिरों में भैरव सेना के केंद्र बनाए गए। कहते हैं कि ये भैरव सेना काल का दूसरा रूप थी। हर तरह के युद्ध में माहिर ये भैरव सेना
दुश्मनों के लिए मौत के समान थी। इस समय सम्राट विक्रमादित्य के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जो अपने अंतिम परिणाम में मात्र जीत ही चाहती थी। इसी सेना के साथ सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया। इसी समय उज्जैन के महाकुंभ का समय आया। संपूर्ण भारत की भैरव सेना उज्जैन पहुंची। महाकुंभ का स्नान होते ही ये भैरव सेना शकों पर काल बनकर टूट पड़ी। इस समय संपूर्ण भारत में चार महाशक राजों का राज्य था। भैरव सेना ने इन चारों शक राजों को बंदी बनाकर सम्राट विक्रमादित्य के सामने उज्जैन लाया। यहीं पर इन शकों को समाप्त कर दिया गया। भैरव सेना ने संपूर्ण भारत में ऐसी विजय पताका फहराई कि भारत के चप्पे चप्पे से शकों का नाश कर दिया गया। इन्हीं 40 से 50 वर्षों में राजा विक्रम सेन अखंड भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने वाले राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अरब तक फैला था सम्राट विक्रमादित्य का शासन। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी विस्तार से वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब देश तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र देश तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब देश में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शेर उल ओकुल में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र देश भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ पड़ा है जिसका नाम है शेर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो उस समय में जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था जो हरेक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला इस तरफ भी फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। इसी किताब में आगे लिखा है कि जहां विक्रमादित्य की सेना आक्रमण करती थी वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते थे और शत्रु दल मैदान छोड़कर भाग जाते थे। रोम के शासक को बंदी बनाकर उज्जैन नगर में घुमाया। ज्योतिवीरदा भरण नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि रोम देश के शासक जूलियस सीजर को विक्रम संवत 24 को सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी जीत के झंडे रोम देश में गाड़े, जहां से रोम देश के राजा सक्रात जूलियस सीजर को बंदी बनाकर उज्जैन नगर लाया गया और संपूर्ण नगर में घुमाया गया। रोम देश में भी इस घटना का बराबर उल्लेख मिलता है। उनका लिखना है कि रोम के समुद्र से आई उस भयानक सेना ने हमारे राजा का अपहरण कर लिया। कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार 14वीं ईसा के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मात्र गुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशु वर्मन के समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। कहां से पढ़े सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास? यह हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के इस महान सम्राट के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर हमारे ग्रंथों में सम्राट विक्रमादित्य का बराबर उल्लेख मिलता है। बेताल 25 और सिंहासन 32 की उन महान कथाओं में सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास को अच्छे से जाना जा सकता है। डिमांडिंग पंडित का भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इतिहास में हमारे इन महान सम्राट को उच्चतम दर्जा दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो दूर दूर तक जाए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।